गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स क्लास। स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने कंप्लीट किया था क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ एक्सरसाइज 1, है ना। हम कर रहे थे एक्सरसाइज 1 चैप्टर 1 की, जिसका नाम है नंबर्स एंड न्यूमरेशन। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 में मैंने क्या बताया था आप लोगों को, दो टर्म्स के बारे में बताया था, फर्स्ट इज़ असेंडिंग एंड नेक्स्ट इज़ डिसेंडिंग। स्टूडेंट्स, असेंडिंग माने होता है नीचे से ऊपर की ओर जाना, मतलब कम से ज़्यादा की ओर जाना, और डिसेंडिंग का मतलब होता है ऊपर से नीचे की ओर आना, यानी कि ज़्यादा से कम की ओर आना। तो असेंडिंग ऑर्डर में मैंने आपको क्या समझाया था कि जो भी आपको 4 डिजिट्स दी हुई हैं उनको इस तरीके से अरेंज करना है आपको कि सबसे छोटी डिजिट सबसे पहले आए, फिर उसके बाद वाली डिजिट जो बड़ी हो वो उसके बाद आए, फिर उससे भी बड़ी डिजिट उसके बाद आए, और सबसे बड़ी डिजिट लास्ट में आए, है ना। और मैंने आप लोगों को पार्ट ए क्वेश्चन नंबर 7 का करके भी दिखाया था। एक बार रिवाइज कर लेते हैं स्टूडेंट्स, पार्ट बी करते हैं। देखिए, आपके सामने 4 डिजिट्स हैं, 2893, 2983, 2398 एंड 2978। अब इन 4 नंबर्स में से सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा नंबर छोटा है। यू हैव टू आइडेंटिफाई विच नंबर इज़ द स्मॉलेस्ट। तो देखिए, इधर 2800 है, इधर 2900 है, इधर 2300 है और 2900 है। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा हो गया, 2300। तो फर्स्ट कॉलम में हम लिखेंगे 2398। उसके बाद जो हमारे पास 3 डिजिट्स बचीं, अब इसमें से खोजिए कि कौन सा नंबर इससे बड़ा है। इससे बड़े तो तीनों ही नंबर हैं, लेकिन इसके तुरंत बाद कौन सा आएगा, 2893 या 2983। तो 2800 पहले आता है, 2900 बाद में आता है, इसलिए हम लिखेंगे 2893। तो सेकंड कॉलम में आ जाएगा 2893। अब हमारे पास 2 डिजिट्स बचे, 2983, 2978। तो स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए, 2900 तक तो दोनों में सेम है, लेकिन इधर 83 है और इधर 78 है। तो आप ये बात समझ सकते हैं कि 78 पहले आएगा काउंटिंग में और 83 बाद में आएगा, मतलब 78 छोटा होता है और 83 बड़ा होता है, इसलिए थर्ड नंबर पे जो नंबर आएगा वो है 2978 एंड 2983 विल बी लास्ट। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया था, आप इसका आंसर मैच कर सकते हैं, आपका असेंडिंग ऑर्डर इस तरीके से अरेंज होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 7 हमने कंप्लीट कर लिया, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 जो है स्टूडेंट्स, वो 7 का बिल्कुल अपोजिट है। मतलब क्वेश्चन नंबर 7 में आपको सबसे पहले स्मॉलेस्ट डिजिट को सर्च करना होता था, फिर उससे बड़ी, सबसे बड़ी, लेकिन डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको सबसे पहले लार्जेस्ट डिजिट को एक्सप्लोर करना है। सबसे बड़ी डिजिट सबसे पहले आएगी, उसके बाद छोटी छोटी डिजिट आती जाएंगी। एग्जाम्पल से समझते हैं क्वेश्चन नंबर ए, जल्दी से देखिए, 1728, 7128, 8127
एंड 2718. तो इट इज़ वेरी ऑब्वियस टू से दैट 8127 इज़ द लार्जेस्ट अमंग देम. बहुत आसानी से हम पहचान पा रहे हैं कि 8127 इनमें सबसे बड़ा है, क्योंकि ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, ये 7 से, ये 8 से, ये 2 से. इसलिए सबसे पहले हम लिखेंगे 8127. ठीक है, ये हमने सबसे बड़ी डिजिट लिख ली. अब इसको भूल जाइए. इसके अलावा 3 डिजिट्स बची, 1728, 7128, 2718. इनमें सबसे बड़ी डिजिट कौन सी होगी जो 1 से स्टार्ट हो रही है, वो जो 7 से या जो 2 से. तो बहुत सरल है कि 7 से स्टार्ट होने वाली डिजिट इन तीनों में सबसे बड़ी होगी. तो हम लिख लेंगे 7128. ओके स्टूडेंट्स, अब बचे क्या, 1728 एंड 2718. तो 2 से स्टार्ट होने वाली डिजिट बड़ी होगी, तो हम लिखेंगे 2718. एंड जो लास्ट बची यानी कि 1728, ये इन चारों में सबसे छोटी डिजिट है, इसलिए लास्ट कॉलम में आएगी 1728. ओके स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल है ये डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना और असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना. फटाफट से देख लेते हैं पार्ट बी. 9256, 9526, 9652, 9729. स्टूडेंट्स, इसमें आप पाएंगे कि चारों डिजिट्स 9 से स्टार्ट हो रही हैं. तो अब ये तो कन्फ्यूज़न हो गया कि चारों डिजिट्स 9 से स्टार्ट हुई हैं, कैसे पता लगाया जाए, कैसे कि कौन बड़ा है, कौन सी नंबर छोटा है. इसके लिए हम सेकंड डिजिट को देखेंगे. देखिए, इधर 92 है, 95, 96 एंड 97. मतलब ये 9200 है, 500 है, 600 है, 700 है. तो हमें पता है 700 इन चारों में सबसे बड़ा होगा, तो हम सबसे पहले लिख देंगे 9729. ओके, उसके बाद 67 का जब हो गया, तो अब देखिए 9295, 96. तो जल्दी से सोचिए कौन सा आएगा अब, 9652. अब हमारे पास दो नंबर्स बचे, 9256 एंड 9526. तो इन दोनों में जो बड़ा होगा वो पहले आएगा. देखिए कौन सा बड़ा होगा, 9526. तो हम इधर लिख देंगे 9526. एंड एक जो नंबर बचा 9256, तो दैट विल बी द लास्ट 9256. देखिए स्टूडेंट्स, कितना सिंपल होता है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना. आपको कुछ नहीं करना. सब जब आप असेंडिंग में अरेंज करते हैं, तो सबसे पहले वो डिजिट ढूंढिए जो सबसे छोटी हो. फिर उसको लिखने के बाद जो रिमेनिंग आपके पास नंबर बचे, उनमें सबसे छोटी ढूंढिए. फिर सेकंड लिखने के बाद भी आपके पास जो नंबर्स बचे हैं, उनमें सबसे छोटी ढूंढिए. फिर जो एक नंबर बचेगी बड़ी, वो आ जाएगी लास्ट कॉलम में. है ना स्टूडेंट्स, इन द सेम वे जब आप डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, तो पहले सबसे बड़ी डिजिट ढूंढिए. सबसे बड़ी डिजिट आपको मिल गई है, या आपने फर्स्ट कॉलम में लिख ली. अब इस डिजिट को छोड़ के जो अदर 3 डिजिट्स आपके पास बची हैं, इनमें सबसे बड़ी ढूंढिए. इनमें सबसे बड़ी है ये, तो ये लिख ली. अब ये दो डिजिट हो गई आपकी, दो डिजिट आपके पास अभी और बची हैं. इन दोनों नंबर्स में देखिए कौन सा बड़ा है ये, तो इसको थर्ड कॉलम में लिख दिया, और जो एक लास्ट बचा उसको लास्ट कॉलम में. है ना, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 7 और 8 अपनी नोटबुक में करना है. ओके, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट्स. इसी तरीके से आप कर सकते हैं अपनी नोटबुक में, और अपना होमवर्क अप टू डेट रखिए. ओके.